हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाही किचन। मैं हूँ स्मृति और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी कलाकंद की रेसिपी, जिसे मैंने किस चीज़ से बनाया ना, जब आप ये सुनेंगे तो आप भूल जाएंगे कुछ और रेसिपी ट्राई करना और फटाफट से इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो इसे मैंने बनाया है जो हमारा बटर मिल्क होता है ना, जो हम मलाई जब घी बनाते हैं, घी बनाने के बाद जो हमारा बटर निकलने के बाद जो हमारा ये बटर मिल्क बचता है ना, उस बटर मिल्क से मैं आज कलाकंद बनाने वाली हूँ और बहुत ही ईजी स्टेप के साथ बनाई हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा बटर मिल्क है जो कि मेरी 7 से 8 दिन की जो मलाई थी जो मैंने रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ था, उसके बाद मैंने उसमें से बटर निकाल लिया और ये बच गया है। और बाकी मैंने घी बना लिया है बटर से और ये जो इसका बचा हुआ पार्ट है इससे मैं आज कलाकंद बनाने वाली हूँ। तो मैंने गैस के फ्लेम को ऑन कर लिया है और गैस के फ्लेम को पहले हम इस जो बटर मिल्क है इसको बॉईल करेंगे। जब इसमें बॉईल आना वाला होगा, जब मतलब ये गर्म होके बॉईल आने की कंसिस्टेंसी तक जब ये आ जाएगा ना, देखिए अभी ये वहाँ तक पहुँच गया है, बस बॉईल नहीं हुआ है, उसी टाइम हम इसमें विनेगर है ये हमारा 2 टेबल स्पून मैंने विनेगर लिया है, उसमें सेम क्वान्टिटी में मैंने पानी ऐड किया है और इसके साथ ही मैंने इसमें 1-1 चम्मच डालना है और गैस के फ्लेम को ना मैंने ऑफ कर दिया है और 1-1 चम्मच मैंने विनेगर डालना है और इसको मिक्स करना है। इस तरह से मिक्स करते हुए मैंने इसका जो छेना बनाकर निकाल अलग कर लिया। देखिए हमारा दूध फट गया है और ये बिल्कुल इसका छेना अलग हो गया है। मैंने इससे रसगुल्ले भी बनाए हैं, अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसे भी ज़रूर चेक कीजिएगा। और इस तरह से छन्नी की हेल्प से जो हमारा छेना है ना, उसे मैं छन्नी में छान लूँगी। ये देखिए मैंने कपड़े की हेल्प से एक दुपट्टा लिया था जिसमें मैंने छन्नी रख के इस छेना को मैंने छान लिया है और अब हम इसे 6 से 7 ग्लास पानी से अच्छे से वॉश करेंगे। बिल्कुल अच्छे से हमें इसको दबा दबा कर वॉश करना है ताकि जो हमने इसमें विनेगर यूज़ किया था और जो खट्टापन था वो निकल जाए और ये बहुत ही अच्छा हमारा जो छेना है वो हमें मिल जाए। तो इस तरह से दबाकर मैं इसका छेना अलग कर लूँगी। तो वो रसगुल्ले भी हमारे बहुत टेस्टी बने थे, उसे भी ज़रूर देखिएगा। अब मैंने एक पैन लिया है जिस पैन में मैंने बिल्कुल गरम गरम ना 1 ग्लास दूध डाला है। ये बिल्कुल गरम दूध है, आपको गरम दूध ही लेना है, ठंडा दूध ना ले। अब इस दूध में ना मैंने जो अपना वो पनीर बना कर रखा था ना, जो छेना निकाला है अभी हमने बटर मिल्क से, ये देखिए ये इतनी क्वांटिटी में छेना है हमारा, लगभग हमारा ये छेना जो है ये 200 ग्राम के करीब छेना है। तो इस छेना को मैं इस दूध के अंदर मिक्स कर दूंगी। अब छेना को हम एक स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से दबा दबा कर, अगर आप चाहें तो पहले ही इसे स्मूथ करके ही डालें, पर मैं इस तरह से इसे दबा दबा कर बिल्कुल स्मूथ कर लूँगी। अच्छे से दबा दबा कर इसको दूध के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसलिए मैंने गर्म दूध लिया था क्योंकि गर्म दूध में ये ईजिली मिक्स हो जाता है। अब जो हमारा सेकेंड इन्ग्रीडियंट है, ये मैं आधा कटोरी ना, मतलब जितना हमने पनीर लिया है या जो छेना लिया है उसकी आधी क्वांटिटी में हमने लिया है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर देना है, जितना मिल्क पाउडर लिया है उतना ही हम शुगर ले रहे हैं। अब इस शुगर को भी, अब तीनों चीज़ें मिल्क पाउडर, छेना और शुगर, इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद मैं गैस के फ्लेम की तरफ चलूँगी, तो चलिए चलते हैं गैस के फ्लेम की तरफ। ये अभी कितना स्मूथ टेक्सचर लग रहा है ना, अब हमें इसमें कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं करना। हाँ, एक चीज़ रह गई, एक मिनट वेट। अब इससे गैस की फ्लेम पर चढ़ाने से पहले मैं इसके अंदर फ्लेवर के लिए ना आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें। और इसे मिक्स करने के बाद देन हम चलेंगे गैस के फ्लेम की तरफ। अब हम गैस के फ्लेम पर आ गए हैं और गैस के फ्लेम को मीडियम रख के लगातार चलाते हुए, इसको चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, लगातार चलाते हुए इसको बिल्कुल एक सॉफ्ट सा एक, हमें जब तक ये बिल्कुल बर्फ़ी जमाने की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाए तब तक हमें इसको चलाना है बिल्कुल। और इस पहले तो ये धीरे धीरे मेल्ट होगा और पतला होगा, क्योंकि चीनी जब मेल्ट होती है तो टेक्सचर थोड़ा सा पतला हो जाएगा। देन फिर ये मीडियम फ्लेम पे जब आप पकाते रहेंगे तो फिर ये अपने आप ही डो जैसा बनने लगेगा, बस उतना ही हमें पकाना है। ये देखिए हमारा ये फिर धीरे धीरे रिड्यूस होने लग गया और सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं और देखिए इस तरह से बन गया है। इतना ही हमको पकाना है, हमने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है। कलाकंद थोड़ी सी पतला ही रखना है। अब हमने एक ग्लास कंटेनर लिया है और इसे अच्छे से तेल से, ऑयल से या घी से आप ग्रीस कर लीजिए, आपके पास जो भी हो, मैंने घी से ग्रीस किया है। आप कोई मोल्ड या कोई थाली भी ले सकते हैं। मैंने ये ग्लास कंटेनर लिया है और जो टेक्स्चर हमने जमा कर रखा था ना, वो हमारा जो टेक्स्चर है वो बिल्कुल गर्म है। अब मैंने इसके साथ ही थोड़े से पिस्ते लिए हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है। अब इस पिस्ता के कतरन को पहले हम इस ग्लास कंटेनर में डालेंगे, ये भी टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें।
अब इसके साथ ही जब ये अच्छे से कतरन को हमने फैला दिया है, देन हम इसके अंदर जो हमारा वो गरम गरम जो हमने अभी कलाकंद का जो टेक्स्ट मिक्सचर बना के रखा था ना, उसे हम इसके अंदर अच्छे से डालेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से बिल्कुल कलाकंद का मिक्सचर हमारा तैयार है। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया और गर्म है, बिल्कुल ही गर्म गर्म ही हम इसके अंदर गर्मा गर्म इसको हम फिल कर लेंगे। अच्छे से डाल डाल कर स्पैचुला से दबा दबा कर आप इसको इवन कर लीजिए। सारा टेक्सचर डाल दिया, आप चाहे तो प्लेट में भी डाल सकते हैं या आप कहीं और भी। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट बनकर आता है और कोई कह नहीं सकता कि आपने घी का जो बचा हुआ मिल्क था ना उससे बनाया है, जिसे हम अक्सर फेंक दिया करते हैं। ये देखिए, मैंने अच्छे से स्मूथ कर लिया है। अब आप अगर चाहें तो बाहर ही इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दें, ये 1 घंटे में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। बट मैंने इसे 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में डाल दिया। 1/2 घंटे में फ्रिज में, आधा घंटा क्या, 15 से 20 मिनट में ये फ्रिज में अच्छे से सेट हो जाता है। ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। अब देखिए, मैंने हल्के से इसको स्क्रैप कर लिया है चारों साइड से। एक नाइफ की हेल्प से मैंने हल्का सा चारों साइड से इसके साइड्स को रिमूव किया है और देखिए, इसे टैप करेंगे ये इजीली निकल जाता है, क्योंकि हमने जो ग्रीस करा था इसके कंटेनर को। अब आप इसमें जैसे मर्जी चाहे वैसे पीसेस में कट कर लीजिए। बहुत ही सॉफ्ट टेस्टी सा हमारा कलाकंद बनकर रेडी है। तो अगर अभी तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो बगल में दिए हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ऐसी रेसिपीज ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह की रेसिपी सीख सके। और मुझे ज़रूर बताइए मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा। चलिए, अब इसे हम लंबे लंबे शेप में कट कर लेते हैं। मैंने इसे ऐसे ही रखा है, आप चाहें तो इसे और छोटे पीसेस में भी कट कर सकती हैं। मैंने इसे थोड़ा सा मोटा रखा, आप चाहें तो पतला फैलाएं और इसे कट कर लें। देखिए कितना स्मूथ टेक्सचर बन के आया है और कितनी अच्छी और टेस्टी लगी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। सभी को ये बहुत अच्छी लगेगी और ये बहुत ही मुंह में जा के मेल्ट होने वाली ये कलाकंद हमारी बनकर आई है। ये मुंह में जाते ही बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।